आज हम पढ़ेंगे क्लास ट्वेल्थ चैप्टर सेवन इंटीग्रल। ये वीडियो का पार्ट फोर है, ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे मेथड ऑफ मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। कितने मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं इंटीग्रेशन को, ठीक है। इसमें पहला मेथड क्या है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। दूसरा क्या है, इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, थर्ड क्या है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, करेंगे। इसमें तीन मेथड है इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का, तीन मेथड है इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड, मतलब वैल्यू पुट करके उसमें हम कैसे सॉल्व करते हैं, दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन करके कैसे सॉल्व करते हैं, तीसरा बाय पार्ट्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड, फर्स्ट मेथड कैसे हम किसी इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं। हिंदी बोलते हैं समाकलन, चाहे आप सीबीएसई में तो इंग्लिश, बट अदर बोर्ड जो भी एनसीईआरटी बुक से पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो इसमें पहला क्या है, अगर हमें पास मान लीजिए कोई इंटीग्रल गिवन है फर्स्ट मेथड में एफ एक्स डी एक्स, ठीक है, कैन बी ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर फॉर्म बाय चेंजिंग द इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स टू टी by substituting x is equal to gt। कह रहा है कि जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है x, उसको हम t में कन्वर्ट करेंगे, मानेंगे t को, और जो भी x उसको होगा उसको हम x इक्वल टू, सपोज x इक्वल टू gs लेते हैं, तो अगर इंटीग्रल हमारा ये i is equal to एफ एक्स डी एक्स है, ठीक है, मान लेट आई इजकल टू इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स है, तो क्या करेंगे, पुट एक्स इजकल टू जी टी, ओके जी टी, उसके बाद इसको हम डेरिवेटिव करेंगे, सो डेट डी एक्स अपॉन डी टी दिस इक्वल टू जी डैश टी, ठीक है, या डी एक्स इक्वल टू जी डैश टी डी टी हो जाएगा। अब हमने इसमें एक्स इक्वल टू कोई फंक्शन मान लिया जी टी, उसको डेरिवेटिव किया, अब ये डी एस के जगह पे हम ये पूरा फंक्शन पुट करेंगे, ठीक है। तो देन हमारा जो इक्वेशन कन्वर्ट होके क्या आएगा, कुछ इस तरह से आएगा, एफ एक्स डी एक्स जो है इंटीग्रल आई इक्वल टू आई इजकल टू इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स इजकल टू क्या आएगा, एफ एक्स जी एफ एक्स जी टी, और एक हमारा जब डी एक्स जगह पे पूरा हम ये वैल्यू पुट करने वाले हैं जी डैश टी और डी टी। तो इस तरह से हम इस मेथड में करेंगे, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, उसके बाद और क्लियर हो जाएगा।
कि सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करते हैं, इस मेथड में ऐसे करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन फर्स्ट क्या हमारा कह रहा है, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फंक्शन गिवन है, उसको एक्स के रिस्पेक्ट में क्या करना है, हमको डेरिवेटिव करना है साइन एम एक्स, ओके। दूसरा टू एक्स साइन स्क्वायर, सॉरी साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन। तीसरा हमारा क्या कर रहा है, टेन के पावर फोर रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइड बाई रूट एक्स। फोर्थ में साइन टेन इनवर्स एक्स डिवाइड बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। ये चार क्वेश्चन गिवन है, इसको एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है। देखिए आप यहाँ पर सिंपल साइन एक्स तो है नहीं कि आप माइनस कोस एक्स बोल लोगे, यहाँ पर साइन एम एक्स है, ठीक है। तो फर्स्ट में हम कैसे करेंगे इसको, हमसे पूछा जा रहा है कि इंटीग्रल साइन एम एक्स डी एक्स। तो साइन एक्स अगर होता तो आप डायरेक्टली बोल देते कि माइनस कोस एक्स होगा, लेकिन यहाँ पर साइन एक्स नहीं है, यहाँ पर फंक्शन क्या है, एम एक्स है। तो इसी फंक्शन में हम क्या करेंगे, कैसे क्या करेंगे, यहाँ पर लेट एम एक्स इक्वल टू हम क्या मानेंगे, टी मान लेंगे। जब ऐसे फंक्शन आपको मिले कि यहाँ पर अगर एक्स रहता तो आप डायरेक्टली बोल देते, लेकिन यहाँ पर फंक्शन क्या है, चेंज है। तो इस क्वेश्चन को हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे, ठीक है। तो यहां से अगर इसको फिर क्या करते हैं, इसको हम डेरिवेटिव करते हैं, क्या करते हैं, डेरिवेटिव करते हैं। तो ये हम तो हमारे स्केलर है, कांस्टेंट है, ये आगे हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा, डी एक्स, ऐसा क्या होगा, डी टी, ठीक है। एक्चुअली में ये ऐसे है, यम डी एक्स अपान डी टी इजक्वल टू टी का क्या हो गया, वन हो गया, यानी यम क्या होगा, यम डी एक्स, सॉरी यम डी एक्स इजक्वल टू क्या आएगा, डी टी आएगा, ठीक है। मैं इसको रफ कर रहा हूं, क्वेश्चन हम करेंगे। तो यहां से देखिए, हमने फंक्शन को चेंज कर दिया, इसको मान लेते हम टी मान लेते हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, साइन टी और डी एक्स जगह पे क्या रखोगे, वन बाई एम डी टी। क्वेश्चन फर्स्ट था, तो अब देखिए, अब ये वन बाई क्या है, स्केलर है, तो साइन टी का आपको पता ही है क्या होता है, साइन टी यानी साइन एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स होता है। तो वन बाई एम इसका माइनस कॉस टी प्लस सी, यानी जो हमने पहले टी माना था, जिस फंक्शन को हम टी माने थे, उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पर लास्ट में हमें पुट करना पड़ेगा, ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर टू में कैसे क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर टू क्या था हमारा, क्वेश्चन नंबर टू में कह रहा है इंटीग्रल टू एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। अब हम इसमें किस फंक्शन को टी माने कि जो इसी में जो डेरिवेटिव है ना, डेरिवेटिव करने पे इसी फंक्शन में वो आ जाए, ठीक है। तो आपको देख रहा होगा कि इसका अगर डेरिवेटिव करते हो तो ये आएगा, ठीक है। तो यहां से क्या करेंगे, लेट एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टी मान लो, इसका हम डेरिवेटिव करेंगे, एक्स स्क्वायर का टू एक्स आता है, पता ही आप लोगों को, डी एक्स और टी का हमारे यहां से डी टी हो जाएगा, ऐसे होगा ये टू एक्स डी एक्स अपान डी टी, और यहां पर ये वन होगा, यानी डी एक्स टू डी एक्स इक्वल टू डी टी। मतलब इस फंक्शन के में जो ये हमारा टर्म है 2x और dx के जगह पे हम लिखेंगे केवल dt लिखेंगे, केवल ये 2x dx के जगह पे हम लिखेंगे dt, ठीक है। तो यहां से आप देखिए sin t हो गया कन्वर्ट, आइए तो पूरे के जगह पे हमने t रख दिया,
अब पता ही है साइन टी का क्या होता है, माइनस कॉस टी होता है, कॉस टी प्लस वन हो जाएगा। तो कॉस यक्स के जगह पे, यक्स के जगह पे, यक्स जगह पे क्या होगा, यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखते हैं इसमें क्या होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड में, थर्ड में क्या है, क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए आप टेन स्क्वायर पावर फोर रूट एक्स स्क्वायर रूट डिवाइड बाय रूट एक्स डी एक्स। ठीक है, तो आप पहले यहाँ पर हमें सबसे पहले यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, रूट एक्स को टी मान लीजिए आप। ठीक है, रूट एक्स टी माने इसका डेरिवेटिव करेंगे आप तो वन बाई टू वन बाई रूट एक्स डी एक्स इजकल टू डी टी। तो आप देख लीजिए रूट एक्स डी एक्स इजकल टू टू डी टी, मतलब इस फंक्शन के जगह पे, इतना के जगह पे हम क्या रखेंगे, टू डी टी रख देंगे यहाँ पर। तो टेन के पावर फोर टी सेक स्क्वायर टी डिवाइड, तो वहां से कवर हो गया है टू इंटू डी टी। अब टू बाहर लीजिए, टेन के पावर फोर, टेन के पावर फोर टी सेक स्क्वायर टी डी टी। अभी भी ये हमें इसका कोई इंटीग्रेशन कोई पता नहीं है, कोई कुछ नहीं इसका पता चल रहा है कि क्या क्या चूज करें, क्या माने किसका इंटीग्रेशन क्या है। अब क्या करो आप, अगेन मान लो टेन टी को आप मान लो यू मान लो। ठीक है, तो टेन टी का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर टी डी टी इजकल टू डी यू। ठीक है, ये होता है। यहां से आपका क्या करना पड़ेगा, देखते हैं आगे। तो हमने यहां से माना तो टू, टेन को तो हमने मान लिया u, तो u के पावर फोर और ये सेक इसके साथ आ गया है यहां पर देख लीजिए, तो du, u के पावर फोर du आ गया यहां से। अब तो सिंपल इंटीग्रेशन है इसका, ठीक है, क्या है इंटीग्रेशन है यहां से। अब इसका इंटीग्रेशन जानते ही है, जब एक पावर में ऐड करते हैं उसी पावर से डिवाइड कर देते हैं, तो फोर प्लस वन और फोर प्लस वन प्लस सी टू यू के पावर फाइव डिवाइड बाई फाइव प्लस सी। अब हम यू किसको माने थे, टेन यू का टेन टी को माने थे। ठीक है, तो यहां से वैल्यू आप पुट करते जाइए, टेन टी को आपने यू माना था, फिर उसके बाद आपने क्या माना था, टी को क्या माना था, रूट एक्स माना था। ठीक है, तो ये इसका फाइनली आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर फोर पे। क्वेश्चन नंबर फोर हमारा क्या कह रहा था, इंटीग्रल साइन टेन इनवर्स वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करोगे आप, आप देख सकते हो अगर इसका, अगर हम इसको टी मान लें तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसको टी मानोगे ये ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, इस फंक्शन में आ जाएगा, तो ये यहां से आपको रिमूव हो सकता है। ठीक है, तो साइन टी इजिली साइन टी हो जाएगा, साइन टी का माइनस को टी कर देंगे, तो यहां से क्या करेंगे, लेट टेन टी टेन इनवर्स एक्स इजकल टू मान लो टी, इसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, वन बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये डी टी। यहां से आप देखो ये फंक्शन यहाँ इसके अंदर आ गया, इतने के जगह पे हम लिख सकते हैं केवल डी टी लिख सकते हैं। अब यहाँ पर ये तो साइन टी हो गया है, साइन टी का क्या होता है, माइनस कॉस टी होता है इसका, आप पहले वीडियो में देखिए सारे फॉर्मूले बताया गया है। ठीक है, तो यहां से आप कॉस, हाँ टी के जगह पे क्या मानेंगे रखेंगे हम, यहाँ पे जो टी आपने रिज्यूम किया है वही आपने रख दीजिए, जो टी आप पहले माने हैं उसी की वैल्यू यहाँ पर आप रख देंगे, तो इसका फाइनली हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो हमने पढ़ा कि कितने मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन हमने किए, अब कुछ स्पेशल हम फार्मूले पढ़ेंगे। ठीक है, इम्पोर्टेंट फार्मूला जो हमें याद होने चाहिए,
एग्जैक्टली वो होते हैं और हमें याद होने चाहिए। प्रूफ तो मैं आपको नहीं दे पाऊंगा, बट बता सकता हूँ कि tan ये सारे फॉर्मूले के क्या इंटीग्रेशन। tan x आपका कहीं पूछा जाता है इंटीग्रेशन tan x का, तो आप क्या लिखोगे? log sec x। मार्ट लिखे या ना लिखे कोई नहीं फर्क पड़ता है, बट ये जस्ट पॉजिटिव वैल्यू के लिए है, ठीक है। दूसरा इसमें क्या है? दूसरा इसमें है cot x, इंटीग्रेशन cot x। dx का क्या होता है? cot x का होता है log mod sin x, ठीक है। थर्ड इसमें आता है आपका कि sec x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sec x का इंटीग्रेशन आपका होगा log sec x प्लस tan x प्लस c। लास्ट इसमें आता है हमारा फोर्थ नंबर कि cosec x का क्या होता है इंटीग्रेशन? तो cosec x का इंटीग्रेशन क्या होता है, यहां से हम देखते हैं, log cosec x माइनस cot x प्लस c। ये चार जो इंटीग्रेशन है ना, ये बहुत यूज होंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा इसका हम यूज करेंगे। तो ये आपको एकदम याद होनी चाहिए कि tan x का log sec x होता है, cot x का log sin x होता है, sec x का log sec x प्लस tan होता है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए। cosec x का क्या होता है? cosec x माइनस cot x होता है, ठीक है। तो ये सब चीजें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो हमने आज हमने पढ़ा, कुछ क्वेश्चन लगाए और उसके इम्पोर्टेंट फॉर्मूले पढ़े, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में कुछ हम क्वेश्चन और भी करेंगे और एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके एक्सरसाइज 7.2 पे जाएंगे और कंप्लीट करेंगे। इजी है। आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।